हाँ तो गाइस, आपको पहले अपने नॉर्मल से फोटो को शेयर करके ले जाना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। मैं शेयर वाले ऑप्शन पर जाके लाइटरूम एप्लीकेशन में ऐड कर ले रहा हूँ इस फोटो को। फिर आपको ऑल फोटो पर क्लिक करके इस प्रीसेट को ओपन कर लेना है। इस प्रीसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। फिर आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है गाइस। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको कॉपी सेटिंग पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको राइट वाला ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। फिर आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको नॉर्मल से फोटो को कर लेना है ओपन। ओपन हो जाने के बाद आपको थ्री डॉट पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको पेज सेटिंग वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। आप जैसे पेज सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक ही क्लिक में हमारा फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा। फिर जाना इस वाले टूल पर, इसका शार्पनिंग को बढ़ा लेना, रेडियंस को बढ़ा, डिटेल्स, नॉइस रिडक्शन, कलर्स नॉइस रिडक्शन। फिर जाएंगे इस वाले टूल पर, इसका एक बटन को ऑन कर लेंगे। फिर जाएंगे इस वाले टूल पर, इसका टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा के देख लेना बिफोर एंड आफ्टर। फिर आपको विग्नेट को थोड़ा सा कम, अब देख लेना बिफोर एंड आफ्टर। फिर आपको इस फोटो को शेयर कर वाले ऑप्शन पर ले जाना है। जाने के बाद इस फोटो कर लेना है सेव। सेव हो जाने के बाद आपको इसी फोटो को शेयर करके ले जाना है पिक्सट एप्लीकेशन के अंदर। मैं शेयर वाले ऑप्शन पर लेके जाता हूँ पिक्सट एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइस, तो हमारा पिक्सट एप्लीकेशन में इस फोटो ओपन हो चुका है। होने के बाद इस फोटो कर लेंगे, फिर जाएंगे ऐड फोटो के अंदर। ऐड फोटो पर जाने के बाद इस एक पीएनजी को कर लेंगे ऐड। ये हमारा पीएनजी ऐड हो चुका है। ऐड हो जाने के बाद इसको कुछ इस टाइप से सेट करके लगा लेना है गाइस। और इस वीडियो में जितने पीएनजी बैकग्राउंड का यूज करूँगा सभी का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। फिर जाएंगे ऐड फोटो के अंदर। ऐड फोटो पर जाने के बाद एक लाइट वेल्ले पीएनजी को कर लेंगे ऐड। यह हमारा लाइट पीएनजी ऐड हो चुका है। ऐड हो जाने के बाद आपको इसका ब्लेंड मोड को कर लेंगे स्क्रीन। स्क्रीन हो जाने के बाद उसको कुछ इस टाइप से बड़ा करके ऊपर की ओर कुछ इस टाइप से लगा लेना है गाइस। लगा लेने के बाद आपको डन कर लेना है। फिर जाएंगे टूल वाला ऑप्शन पर, फिर जाएंगे एडजस्ट पर, फिर जाएंगे इसका कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा के क्लियरिटी को बढ़ा लेंगे, सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे गाइस, फिर हाईलाइट को थोड़ा सा कम कर लेंगे। फिर जाएंगे शेडो वाले ऑप्शन पर। शेडो पर आने के बाद इसका शेडो को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे गाइस। फिर आपको डन कर लेना है। डन हो जाने के बाद आपको ड्रॉ टूल पर जाना है। जाने के बाद आपको थ्री डॉट पर कर देना है क्लिक। फिर आपको सेव इमेज। और वीडियो पसंद आने पर कर दे एक लाइक। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए,